हेलो स्टूडेंट्स सभी का स्वागत है हमारे चैनल एडी जी के मंत्रा पर तो आज हम लोग करने वाले एस एस सी सी एच एस एल के लिए करंट अफेयर्स ठीक है जो 2023 में सी एच एल होने वाला है तो इसका पार्ट वन करंट अफेयर्स करने वाला है थी? पार्ट वन टू तो, थ्री फोर ऐसे दो तीन पार्ट तो आएंगे जरूर ठीक है जो इंपॉर्टेंट जो रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है एस एस सी सी एच एल में ऐसे ही क्वेश्चन सिलेक्ट किए क्वेश्चन लिए यहाँ पे ठीक है तो चलिए आज का पार्ट वन का देख लेते हैं कौन से कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है एस एस सी सी एच एस एल ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री के लिए तो ठीक है तो चलिए एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है तो स्टार्ट करते हैं आज ट्वेंटी थर्ड एडिशन ऑफ इन विद स्टेट ऑफ इंडिया कौन सी जगह पे होता है जो दिसंबर ट्वेंटी ट्वेंटी टू में सेलिब्रेट होता है ठीक है ये दस दिन का फेस्टिवल होता है तो कहाँ पे होता है तो ये नागालैंड का बहुत ही फेमस फेस्टिवल होता है फेस्टिवल से एस क्वेश्चन जरूर पूछेगा ओके चलिए तो इसको क्या बोला जाता है फेस्टिवल ऑफ फेस्टिवल बोला जाता है इसका मोटो क्या है तो रिवाइव प्रोटेक्ट सस्टेन एंड प्रोमोट द रिचनेस ऑफ नागा हेरिटेज एंड ट्रेडिशन नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर टू क्या हो जाएगा व्हिच डे इज ऑब्जर्व एवरी ईयर एज द ह्यूमन राइट्स डे ठीक है ये डे एंड इवेंट से भी क्वेश्चन पूछा जाता है ठीक है तो क्या हो जाएगा कौन से डे में तो ये हो जाएगा टेंथ दिसंबर को ह्यूमन राइट्स डे मनाया जाता है थीम अगर पूछेगा तो वो क्या हो जाएगा थीम होगा डिग्निटी फ्रीडम एंड जस्टिस फॉर ऑल हो जाएगा ट्वेंटी ट्वेंटी टू का थी नंबर क्वेश्चन हु हैज़ एज द टाइम मैगजीन पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड ट्वेंटी ट्वेंटी टू तो किस को दिया गया तो ये हो जाएगा व्लोडिमिर जेलेंस्की को दिया गया है कौन है ये ये यूक्रेन के प्रेसिडेंट हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर फोर क्या हो जाएगा विच बैंक हैज़ बीन लॉन्च इट फ्लैगशिप बिजनेस प्रोग्राम एम एस एम ई प्रेरणा इन राजस्थान तो कौन सा बैंक हो जाएगा ये तो ये हो जाएगा इंडियन बैंक ठीक है जो इलाहाबाद बैंक से माज हुआ है नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर फाइव क्या है वट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन द ग्लोबल फूड सिक्योरिटी इंडेक्स ट्वेंटी ट्वेंटी टू तो क्या रैंक आया है इस बार होगा सिक्सटी एट रैंक आया है ट्वेंटी ट्वेंटी टू में इसके पहले क्या था सेवेंटी वन रैंक था इसको रिलीज कौन करता है रिलीज करता है लंडन बेस इकोनॉमिक्स इंपैक्ट एंड टॉप रैंक कंट्री इस बार कौन होगा फिनलैंड 2022 में टॉप रैंक है ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सिक्स नंबर क्वेश्चन सिक्स नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं वट इज द रैंक ऑफ इंडिया फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारामन इन फोर्ब्स एनुअल लिस्ट ऑफ द वर्ल्ड हंड्रेड मोस्ट पावरफुल वोमेन इन 2022? ये क्वेश्चन को वेरी वेरी मार्क कर इंपॉर्टेंट मार्क करके रख दीजिए क्योंकि ऐसे तरह के क्वेश्चन लिस्ट में क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में ठीक है तो कितने रैंक में तो हो जाएगा थर्टी सिक्स रैंक पे है ठीक है ये बहुत इंपॉर्टेंट है बोल दे रहे नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर सेवन क्या हो जाएगा हु हैज हैजिन अपॉइंटेड एज अ चेयरमैन ऑफ द नेशनल स्टेटिस्टिकल कमीशन एन तो कौन हो जाएगा एन का तो हो जाएगा राजीव लक्ष्मण करंदीकर हो जाएगा तो इसका एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ है एन का तो हो जाएगा फर्स्ट ऑफ जून टू थाउजेंड फाइव न्यू दिल्ली में इसका हेड क्वार्टर है नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर क्या बोल रहा है हु हैज सिलेक्टेड एज द पेटा इंडिया पर्सन ऑफ द ईयर 2022 तो कौन होगा होगा सोनाक्षी सिन्हा को पेटा इंडियाज पर्सन ऑफ द ईयर सिलेक्ट किया गया है नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर नाइन क्या हो जाएगा

नेक्स्ट क्वेश्चन टेन नंबर क्वेश्चन क्या होगा हु रिटन अ बुक टाइटल द चिपको मूवमेंट अ पीपल्स मूवमेंट एंड दट वोन कमला देवी चट्टोपाध्याय एन आई ए बुक प्राइज ट्वेंटी ट्वेंटी टू वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये तो कौन होगा तो ये होगा शेखर पाठक ठीक है शेखर पाठक का बुक है ये नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर इलेवन विच टीम हैज़ वन द नाइन्थ सेशन ऑफ वीवो प्रो कबाडी लीग ट्वेंटी ट्वेंटी टू तो किसने जीता है तो जीता है जयपुर पिंक पंथार्स ने जीता है वीवो प्रो कबाडी लीग ट्वेंटी ट्वेंटी टू नेक्स्ट क्वेश्चन ट्वेल्व नंबर क्वेश्चन क्या है हैज बीन इलेक्टेड एज द फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ द टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया टी टी आई पी तो कौन हो जाएगा तो so ये हो जाएगा मेगना अहालत हो जाएगा ठीक है इनका हेडक्वाटर कहाँ पर तो हो जाएगा न्यू दिल्ली में इसका है एस्टैब्लिशमेंट हो जाएगा हो जाएगा अरुण कुमार बैनर्जी एंड मेंबर स्टेट हो जाएगा थर्टी टू में स्टेट है टोटली नेक्स्ट क्वेश्चन थर्टीन नंबर क्या बोल रहे हैं विच स्टेट गवर्नमेंट हैज बिन डिक्लेयर देयर सीट फर्म एज अ फर्स्ट कार्बन न्यूट्रल फर्म इन द कंट्री तो कौन से जगह का होगा तो ये होगा केरला स्टेट ने फर्स्ट कार्बन न्यूट्रल फर्म को डिक्लेयर किया गया है नेक्स्ट क्या होगा क्वेश्चन नंबर फोर्टीन व्हिच स्टेट सी एम लॉन्च सैनिटेशन वर्कर्स डेवलपमेंट स्कीम एंड ऑल्सो मोबाइल स्वास तो कौन सा होगा ये होगा तमिलनाडु स्टेट गवर्नमेंट ने किया है तो स्वास का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा तो ये हो जाएगा सैनिटेशन वर्कर्स हेल्थ वेलफेयर एंड सेफ्टी एंड तमिलनाडु सी एम हो जाएगा एम के नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर फिफ्टी क्या हो जाएगा विच स्टेट हैज गॉट द जी आई टैक फॉर तंदोर रेट ग्राम विच इज रियोकल वेराटी ऑफ पी गन पी तो ये कहाँ का होगा तो ये होगा तेलंगाना का ओके तेलंगाना ने जी आई टैक जीता है किसके लिए तंदोर रेड ग्राम के लिए जीता है ठीक है एक तरह की डाल है नेक्स्ट क्वेश्चन सिक्सटीन नंबर क्या हो जाएगा हुम द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ चेक रिपब्लिक चेक रिपब्लिक के न्यू प्रेसिडेंट कौन बने हो जाएगा पीटर पावेल बने चेक रिपब्लिक के प्राइम मिनिस्टर कौन है तो ये हो जाएगा पीटर फाइला ठीक है एंड अगर कैपिटल पूछा जाएगा तो हो जाएगा प्रग एंड करेंसी हो जाएगा कोरोना नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर सेवेंटीन द एफ हैज बीन ऑर्गेनाइज एन ओपनिंग सेरेमनी ऑफ इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री इन विच सिटी तो कौन से सिटी में तो ये हो जाएगा रोम इटली नाउ एफ ए का फुल फॉर्म क्या होगा एफ का फुल फॉर्म हो जाएगा फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन एंड मिलियट्स का मिलियस क्या है ये एक तरह के खरीफ क्रॉप है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन एटीन नंबर वे स्टेट्स फॉरेस्ट डिपार्टमेंट कौन से स्टेट का फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हैज इंट्रोड्यूस इंडिया फर्स्ट एलिफेंट डेट ऑडिट फ्रेमवर्क तो कौन सा हो जाएगा तो ये हो जाएगा तमिलनाडु स्टेट का फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हैज इंट्रोड्यूस इंडिया फर्स्ट एलिफेंट डेट ऑडिट फ्रेमवर्क

टीम एज वन द्वेंटी सेकेंड एडिशन ऑफ फीफा वर्ल्ड कप का था टीम ने जीता है तीन बार ठीक है कहा का कंट्री है एक साउथ अमेरिकन कंट्री है सेकेंड पोजिशन किस को मिला है फ्रांस को मिला है थर्ड पोजीशन किसको मिला है क्रोएशिया का मिला है एंड फोर्थ पोजीशन हो जाएगा मोरक्को को मिला है नाओ प्राइजेस क्या दिया हुआ है गोल्डन बॉल किसको मिला है? तो मिला है लालन मेसी को जो अर्जेंटीना कैप्टन है गोल्डन बूट किसको मिला है कार्लन एम माफे को मिला है जो फ्रांस के एंड गोल्डन ग्लोब अवार्ड किसको मिला है एमिलियनो मार्टिनेस को मिला है जो अर्जेंटीना के गोलकीपर थे एंड प्लेयर ऑफ द मैच फाइनल में किसको मिला है मिला है लालन मेसी को एंड यंग प्लेयर अवार्ड किसको मिला है? तो होगा एनजो फर्नांडेज को मिला है जो अर्जेंटीना के हैं ये सभी पॉइंट्स जो दे सभी पॉइंट्स इंपॉर्टेंट कोई भी पॉइंट से क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है पूछेगा देख लेना ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ट्वेंटी क्या हो जाएगा हु हैज अटल सम्मान अवार्ड फॉर द एक्सीलेंस इन द फील्ड ऑफ साइंस रिसर्च तो अटल सम्मान अवार्ड ये भी क्वेश्चन पूछा अटल सम्मान अवार्ड कौन से फील्ड में दिया जाता है तो होगा साइंस एंड रिसर्च में दिया जाता है तो कौन जीता है तो होगा प्रभु चंद्रा ने जीता है नेक्स्ट क्वेश्चन ट्वेंटी टू नंबर हुम द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ न्यूजीलैंड तो कौन बने तो होगा क्रिस हिपकिस जो बने न्यू प्राइम मिनिस्टर लास्ट प्राइम मिनिस्टर कौन थे तो हो जाएगा जैक इन द अर्डन कैपिटल हो जाएगा वेलिंगटन एंड करेंसी हो जाएगा न्यूजीलैंड डॉलर एन जेट डी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा हुज बिन अपॉइंटेड एज द न्यू हेड ऑफ मेटा इंडिया तो कौन बने तो होगा संध्या देवेनाथन जो बने न्यू हेड ऑफ मेटा इंडिया नेक्स्ट क्वेश्चन ट्वेंटी फोर नंबर द फोर्टी सिक्स वांगला फेस्टिवल ट्वेंटी ट्वेंटी टू हेज बिन सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया तो कौन से स्टेट में वांगला फेस्टिवल सेलिब्रेट होता है तो ये होता है मेघालोया का फेस्टिवल ठीक है इसको क्या बोला जाता है इसको पोस्ट हार्वेस्ट फेस्टिवल बोला जाता है ठीक है ये पोस्ट हार्वेस्ट फेस्टिवल है इसको बोला जाता है फेस्टिवल ऑफ हंड्रेड ड्रम्स एंड परफॉर्म बाई गारो ट्राइब ठीक है कौन से ट्राइब के द्वारा होता है गारो ट्राइब्स के द्वारा ये परफॉर्म होता है नेक्स्ट क्वेश्चन ट्वेंटी फाइव नंबर क्या हो जाएगा ट्वेंटी फाइव नंबर बोल रहा है कि द द एडिशन ऑफ एक्सरसाइज सूर्य किरण कंडक्टेड बिटवीन इंडिया एंड कंट्री कौन से दो कंट्री के अंदर होता है तो इंडिया तो हो गया एंड ऑल्सो कौन कंट्री तो हो जाएगा ये नेपाल ठीक है इंडिया नेपाल के अंदर होता है सूर्य किरण जो मिलिटरी एक्सरसाइज ओके इसका एडिशन क्या होगा सिक्सटीन एडिशन हुआ है प्लेस कहाँ पे ये साल झांडी नेपाल पे हुआ है ट्वेंटी फर्स्ट इलेवन में ये फर्स्ट स्टार्ट हुआ है एंड एडिशन पे हुआ था ट्वेंटी वन में वो पितौरगौर उत्तराखंड में हुआ था नेक्स्ट क्वेश्चन ट्वेंटी विच बैंक हैज वन द बैंकर्स ऑफ बैंकर्स बैंक ऑफ द दी ट्वेंटी टू फॉर इंडिया सेगमेंट एट द ग्लोबल बैंकिंग समिट हेल्ड इन लंडन तो कौन से बैंक ने जीता तो होगा कानाडा बैंक ने ये जीता है ठीक है तो कनाडा बैंक के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या होगा एस्टेब्लिशमेंट ऑफ कनाडा बैंक हो जाएगा फर्स्ट ऑफ जुलाई 1906 जीरो सिक्स हेड क्वार्टर हो जाएगा बेंगलुरु एंड सी कौन होगा एल वी प्रभाकर हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 27 नंबर विच कंट्री हैज पास आ लॉ टोबाको लॉ जो क्या होगा टोबाको लॉ बैन किया ठीक है टोबाको लॉ टू टु बैन स्मोकिंग फॉर नेक्स्ट जनरेशन एंड एमिंग टू द स्मोक फ्री कंट्री बाय okay? 2025 तो ये हो जाएगा न्यूजीलैंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये ठीक है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नेक्स्ट क्वेश्चन 28 नंबर क्या होगा विच डे इज ऑब्जर्व एवरी ईयर एज अ वर्ल्ड सॉयल डे कौन से डे को मनाया जाता है वर्ल्ड सॉइल डे तो ये हो जाएगा फिफ्थ ऑफ डिसम्बर को मनाया जाता है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये वर्ल्ड सोयल डे का थीम ट्वेंटी ट्वेंटी टू में क्या हो जाएगा ट्वेंटी रैंक ऑफ इंडिया इन द ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री तो रैंक क्या है इंडिया का तो होगा रैंक फोर आया है इंडिया का ठीक है इसको रिलीज कौन करता, release करता है रिलीज करते ग्लोबल फायर पावर एंड टॉप रैंक कंट्री हो जाएगा यूनाइटेड स्टेट क्वेश्चन so, ने लॉन्च किया है तो यह हो जाएगा आसाम स्टेट गवर्नमेंट ने लॉन्च किया स्कीम एंड योजना से क्वेश्चन टू हंड्रेड परसेंट सी पूछेगा ही पूछेगा है, एवरी स्टेट में एक दो क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा ठीक है तो इसका अगर ये कैसा तरह का स्कीम है दिस स्कीम इज अबाउट टू एंड पॉवर्टी एंड इंटीग्रेट फाइनेंशियली डिसएडवांटेज फैमिलीज विद इन द स्टेट ओके तो ये भी एक तो पॉइंट से इंपॉर्टेंट तो नाउ यहाँ पे थर्टी क्वेश्चन दिए पार्ट वन का सेक्शन ऐसे पार्ट टू पार्ट थ्री आएंगे ठीक है एग्जाम होने से पहले जो इंपॉर्टेंट होगा वही क्वेश्चन आप लोगों के लिए ज़रूर देंगे ठीक है ऐसी तरह से तो चलिए आज के लिए इतना ही है रखते हैं ट्वेंटी ट्वेंटी बहुत ही जल्दी आने वाला जरूर अच्छे से पढ़िएगा ठीक है तो चलिए आज के लिए रखते हैं टाटा बाय बाय और अच्छा लगे तो कमेंट जरूर कर